असीम अखिलेश ने आज राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया है। बता दें कि यह राष्ट्रीय अधिवेशन जनेश्वर मिश्र पार्क में होगा, जिसके लिए समाजवादी पार्टी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस अधिवेशन में भारी भीड़ जुटने वाली है। हालांकि अधिवेशन में मुलायम सिंह और शिवपाल के पहुंचने पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। अखिलेश ने अधिवेशन बुलाया है, जनेश्वर मिश्र पार्क में अधिवेशन हो रहा है, लेकिन यह अधिवेशन क्या सफल हो पाएगा इस पर भी संशय बरकरार है। हालांकि लोग यहां पर पहुंच जरूर रहे हैं, अखिलेश खेमे के जो समर्थक हैं वो यहां पर जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ा तबका, बड़ा धड़ा इस अधिवेशन में नहीं पहुँच रहा है। मंच से कई बड़े ऐलान हो सकते हैं इस अधिवेशन में। हालांकि हमेशा राष्ट्रीय अधिवेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष के जरिए बुलाया जाता है, लेकिन इस बार खास यही है कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन को अखिलेश यादव ने बुलाया है, रामगोपाल यादव ने बुलाया है। अभिनव हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। अभिनव, अधिवेशन क्या सफल हो पाएगा इस बीच जो तमाम खबरें आ रही हैं उसके दौरान? देखिए, अधिवेशन ठीक उसी तरह से है जिस तरह से परिवार में कुछ लोग रूठे होते हैं और कुछ लोग जो है खुशी मनाते हैं, ठीक उसी तरह से यह अधिवेशन दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अधिवेशन के अंदर शिवपाल सिंह यादव की टीम और शिवपाल सिंह यादव से जुड़े हुए तमाम मंत्री, कोई मीटिंग नहीं हो रही। नेताजी को नए वर्ष की बधाई देने हम गए थे और सारे लोग नेताजी को बधाई दे रहे हैं। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जाएंगे? अरे तो गायत्री प्रजापति ने यहाँ पर साफ कहा है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई हलचल नहीं है। नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए सभी लोग नेताजी के पास पहुंच रहे हैं, यानी कि जो खबरें हैं इस्तीफे की उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने अटकल बताया है और पूरी तरह से इससे किनारा कर लिया है। अभिनव हमारे साथ लगातार बने हैं। अभिनव, जिस तरह से खबरें आ रही थी उसको लेकर गायत्री प्रजापति ने कहा है कि ये सब अटकलें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं नेताजी से। नहीं देखिए, सिर्फ नौ वर्ष की, ये गायत्री प्रजापति का अपना खुद का तर्क है, लेकिन गायत्री प्रजापति भी जानते हैं कि अंदर क्या कुछ हुआ, किन बातों को लेकर बातें हुई हैं, क्योंकि गायत्री प्रजापति वही शख्स हैं जिनको कि रजत जयंती समारोह की कमान सौंपी गई थी और वो मेरे ठीक पीछे बना हुआ मंच पर जो है वो नेतृत्व कर रहे थे। और आज जब पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है, ऐसे में प्रदेश के अध्यक्ष नदारा दिखाई पड़े हैं, प्रदेश सचिव जो है वो नदारा दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर जो मेरे ठीक पीछे जो टीम दिखाई पड़ी है, ये कोर ग्रुप जो है वो रामगोपाल यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जो अपनी टीम है वो टीम यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इसी बीच मैं बता दूं कि अंबिका चौधरी यहाँ पर यहाँ पर जो है तमाम जो मंत्री हैं वो मंत्री यहाँ पर जो है पहुंचने का जो है सिलसिला जारी हो चुका है। मेरे ठीक पीछे आप देखिए राम गोविंद चौधरी यहाँ पर जो है इस समय आ चुके हैं। इसके अलावा कमाल अख्तर यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि यहाँ पर मेरे पीछे रेवती रमण सिंह जो है वो भी इस अधिवेशन में दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुर्सियां जो लगाई गई हैं वो कुर्सियां भी उतनी लिमिटेड लगाई गई हैं, क्योंकि शायद इनको पता था कि लिमिटेड लोग ही इस अधिवेशन में आएंगे। बहुत ज्यादा कुर्सियां यहां पर मंच पर नहीं लगाई गई हैं ताकि पूरा का पूरा मंच जो है वो अधिवेशन में जो है लोगों से भर पाए। इसके अलावा मैं बता दूं कि बहुत शॉर्ट नोटिस में यह अधिवेशन बुलाया गया है, तो गहमा गहमी आज भी समाजवादी पार्टी में बरकरार है। समाजवादी पार्टी इस बात को बखूबी जानती है, इस बात को बखूबी देख रही है कि समाजवादी पार्टी के अंदर अभी भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। पार्टी जिस कमान पे है, पार्टी जिस ठीक है अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने।